भाई का फोन आया कि सन्नी भाई क्या नाम है, मेरी शॉप पे दो तीन बंदे अंदर घुसे हुए हैं, रात का समय हो रहा है दोस्तों, जो लाइव हम पुलिस का सहारा लेंगे बड़े लेवल पे लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वंश ने बताया कि सन्नी भैया जल्दी आ जाओ, सीसीटीवी में मैंने अपनी दुकान के अंदर दो तीन बंदे बैठे हुए देखे है। कितने हैं? एक तो दिख रहे हैं यार। सन्नी भैया यार, ये तो ताले भी खुले हुए हैं यार। ज्यादा बंदे बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस को फोन करते हैं। काम कर बेटा, डंडा उठा के देखो। लेकिन अभी इस टाइम भाई बहुत उदास है, बहुत परेशान है कि दुकान के अंदर रात के समय तीन बंदे बैठे हुए हैं दोस्तों। लाइव पकड़ेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस का सहारा लेंगे। वो दो बंदे का है जो अंदर बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए, ये तो आपके दुकान के बंदे बैठे हुए हैं। लाइट जलाओ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों इस टाइम बड़ी परेशानी में हूं, आपको लाइव सब कुछ दिखाऊंगा। आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जो लाइव हम पुलिस का सहारा लेंगे बड़े लेवल पे लेंगे। अभी मेरे छोटे भाई का फोन आया, वंश का, आपने नाम सुना ही होगा, जो पटेल नगर में भाई की शॉप है, कपड़ों के मैटर में बहुत ऊपर है पूरे हिंदुस्तान में, मतलब भीड़ लगी रहती है, 100-200 बंदे डिले रहते हैं। भाई का फोन आया कि सन्नी भाई क्या नाम है, मेरी शॉप पे दो तीन बंदे अंदर घुसे हुए हैं, रात का समय हो रहा है दोस्तों, रात के बज रहे हैं दो। और दोस्तों मतलब मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि लाइव सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, पुलिस का सहारा लूंगा बहुत जरूरी है। कुछ लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं, वो काम नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वंश ने बताया कि सन्नी भैया जल्दी आ जाओ, सीसीटीवी में मैंने अपनी दुकान के अंदर दो तीन बंदे बैठे हुए देखे हैं। तो दोस्तों आप बने रहना, बहुत खतरनाक वीडियो है, मारेंगे नहीं। लड़कों के साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमें पता है। आ गया छोटा, आ गया, छोटे को पिक करते हैं। वंश भाई क्या मैटर हो गया? सन्नी भैया ये देखो यार, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रही, अभी थोड़ी सी आगे करो आप गाड़ी। ये देखो यार सन्नी भैया, कितने दुकान के अंदर कितने बंदे भैया, कितने हैं? एक दो तो दिख रहे हैं भैया यार। ये क्या कर रहा है, कुछ देख रहा है क्या? ये पता नहीं यार सन्नी भैया क्या कर रहा है, ये तो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है आपके अंदर। हाँ सन्नी भैया यार मेरी बात सुनो, पहले ऐसे अगर 100 नंबर को कॉल करे या फिर पहले वहां पकड़े उसके बाद फोन करे। सन्नी भैया फॉलो को पहले अब पकड़ लो, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। सन्नी भैया दो अंदर बैठे हुए हैं। सन्नी भैया वही तो कह रहा हूँ, चलते हैं एक बार। सन्नी भैया चल के एक बार देखे तो है क्या मैटर। पकड़ो चलो यार सन्नी भैया प्लीज, वहाँ चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने एक लड़के को भी बुलाया हुआ है, वहाँ पे आ रहा है वो, फटाफट से चलो यार सन्नी भैया। सन्नी भैया यार ये तो रुको, छोटे मेरी बात सुन बेटा, ज्यादा बंदे बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस को फोन करते हैं। सन्नी भैया पहले अंदर तो देखें क्या करेंगे। काम कर बेटा, डंडा उठा के देखो। ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ क्या है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, सारे काम होंगे। लाइव जनता को दिखाऊंगा कि लापरवाही क्या होती है, कैसे होती है। अपने ताले दोनों लगा रखे हैं, बिल्कुल चाबी भी हमारे पास है सन्नी भैया। दोस्तों ये ताले ये क्या कर रहा है दोस्तों? वंश भाई की शॉप है पटेल नगर में, भाई की शॉप का नाम ये है। भाई ने मतलब कह रहा हूँ इतनी मेहनत करी है, मैं ये सब बातें बाद में बताऊँगा आपको मैं। लेकिन अभी इस टाइम भाई बहुत उदास है, बहुत परेशान है कि दुकान के अंदर रात के समय तीन बंदे बैठे हुए हैं दोस्तों। लाइव पकड़ेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस का सहारा लेंगे। कुछ लोग कानून का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन हम लेंगे। आ जाते बेटा से शटर खोल। रुक। तूने अगर उनके हाथ में कोई चीज़ होगी ना, पीछे भी होना है, उसके बाद फिर मैं ये पीछे से हमला करूँगा मैं। हाँ भाई क्या कर रहा है दुकान के अंदर? हैं? अंदर क्या कर रहा है? कपड़े चेक करने आया था। कुछ भाई तो आपकी दुकान पे काम करता है भाई। हेलो, एक मिनट रुक जा यहाँ पर, वो दो बंदे का है जो अंदर बैठे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये तो आपके दुकान के बंदे बैठे हुए हैं। लाइट जलाओ जी। हाँ भाई बाहर निकल ही रहो, लाइट जलाओ। कहाँ पर है? लाइट जलाओ। हाँ भाई क्या कर रहे हो अंदर, खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो? ये भी दुकान के लड़के हैं सन्नी भैया। ये दुकान के लड़के हैं? हाँ। बाहर भाई, बाहर इधर आ, इधर आ जा। हाँ भाई क्या तीनों ही दुकान के लड़के हैं यार? यही के लड़के हैं? हाँ
हो गया वो गया यार वंश भाई। अरे यार सन्नी भैया मैं तो घबरा गया, मैं तो अब याद आ गया मुझे, मैंने इन्हीं तो कहा था दुकान सेट करने के लिए, अभी तो इन्हें खाना ही भेजा मैंने। तभी मैं कहूँ ताले लगे हुए हैं, ताले टूटे नहीं हुए और सब कुछ ओके, रिपोर्ट आ रहा है। नहीं नहीं सन्नी भैया कैसी बात कर रहे हो, सॉरी यार सन्नी भैया आपको रात को डिस्टर्ब कर दिया यार। अरे यार सन्नी को ये भाई को कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से मुस्कुरा रहा है बेटा, आराम से पिक्चर देख रहा है भाई। आपने तो बोला था भाई को कैसे पता लग गया सन्नी भाई? सन्नी भाई को मैंने तो फोन करके बुलाया। अच्छा अरे यार ये कह रहे ये हो गया दुकान में चोरी हो गई, बंदे घुसे पड़े सीसीटीवी की वो। अरे यार छोटे भाई सॉरी यार, सॉरी सॉरी यार भाई सारे। आप ना भाई साहब एक काम करो, मैं क्या बोलूं यार आपको यार सॉरी। ये तो वो वाली आदत होगी, गजरी फिल्म देख रहे थे क्या? गजरी देख रहा था अभी, एक घंटे पहले ही खत्म हुई थी और उठते ही मैंने कैमरा देखा, मैंने देखा लड़के, मैं घबरा गया। मेरे से प्रैंक कर रहे थे क्या आप? सबसे करते हो भाई, चलो यार मूड खराब कर दिया। मैंने कहा आज सन्नी भैया के साथ प्रैंक कर ले, लेकिन अगली बार ये मत सोचना अगली बार भी प्रैंक कर रहा हूँ, कभी बुलाए रात को तो कोई नहीं, जल्दी 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 बड़ा काम हम भी करेंगे, आ जाओ बाहर आ जाओ आप। मैं कह रहा शटर खुले पड़े हैं, ताले लगे पड़े हैं, लेकिन लेकिन वंश भाई एक मैसेज देते हैं। हाँ जी। कि कुछ लोग ना कानून को हाथ में लेते हैं, कुछ लोग कानून को हाथ में लेते हैं, बिल्कुल उनको नहीं लेना चाहिए, पहली चीज तो ये पुलिस का सहारा लेना चाहिए, और कुछ लोग पुलिस को कोसते हैं कि टाइम पे नहीं आती ये नहीं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि पुलिस का जो एक जो महकमे में जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल थाने में जो लोग होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जो जनता होती है बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो पुलिस को समझे, बिल्कुल पुलिस हमेशा हेल्प करती है, मदद करती है, कभी भी गलत ना सोचे कि भाई पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना, और हमेशा ऐसे मौके पे तुम्हें लगे ना कि मैटर खराब हो रहा है गलत हो रहा है, तो पहले पुलिस का सहारा लेना, बिल्कुल सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा वो है हमारा तेलगा भाई, करता है केयर दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तेल का मचाता है ये, तेल का मचाए।